सत श्रीकाल, मैं चरणजीत सिंह चन्नी लैके हाजिर हाँ पंजाब न्यूज़ बुलेटिन की शुरुआत करन तो पहला एक नज़र मारदे आज दीआं वड्डीआं सुरखियां ते। मानसा च हुई तीजी कैबिनेट मीटिंग दौरान मान सरकार ने वड्डे फैसले लैण दा दावा ठोकिया। चिट फंड कंपनियां नाल नाल पर्ल ग्रुप दे वल्लों कीते घोटालिआं ते सख्ती दी तैयारी च दिखे मुख मंत्री मान। सरकार दे वल्लों कच्चे मुलाजमां नूं पक्के करन दे राह पद्धरा करन ते लगाई मोर। सिद्धू के पिता बलकौर सिंह नूं मानसा कैबिनेट मीटिंग दौरान नहीं मिले सीएम मान। विधानसभा के बाहर किते वादे मुताबक बलकौर सिंह की उड़ीक होर वधी। बलकौर सिंह ने मुलाकात ना होने ते मीडिया तो भी वधाई दूरी। सिद्धू कतल केस इंसाफ की उड़ीक च बलकौर सिंह। केंद्र ते सूबा सरकार दे दुआले होए किसान। पटियाला च कीता मरन वर्त शुरू ते लुधियाना च लखोवाल ने स्वामीनाथन लागू ना करन ते दित्ती चेतावनी। पटियाला च बिजली मुद्दे ते सूबा सरकार की घेराबंदी ते लुधियाना च MSP ना मिलन ते केंद्र दे दुआले होए किसान। श्री दरबार साहब च लगियां हाईटैक स्कैनर मशीनां। घंटा घर के बाहर होवेगी आने जाने वालों के बैगों की चैकिंग। पूरे गुरु घर नूं सुरक्षित बनाने लई 6 एक्सरे मशीनां लाउण दा पूरा काम मुकम्मल। एक बार च 10 लाख बैग चैक करने की टैक्नोलॉजी नाल लैस ने स्कैनर मशीनां। सुन बुलेटिन की शुरुआत करते हैं अज की सब तो वड्डी खबर के नाल। लुधियाना च 10 के करीब आप विधायकों के वलों मीटिंग की गई है। इस मीटिंग नूं लैके वक्खो वक्ख चर्चावां चलनियां शुरू हो गईआं ने। सूत्रां दा कहना है कि यह मीटिंग कैबिनेट मंत्री दे अहुदे नूं लैके की गई है। इस मीटिंग दे विच किते ना किते विधायकों के वलों इस गल का जिक्र जरूर किया गया है कि जदों ही कैबिनेट दे विच कोई हिलजुल होवे तां उदों लुधियाना विधायकों का धड़ा मजबूत होवे, जिस नूं लैके यह मीटिंग की गई है। परंतु इस दीआं खबरां ज्यों ही मीडिया तक पहुँचियां तां आप विधायकों के वलों इस शब्दां नूं बदलना शुरू कर दिता गया। तो उन्होंने वालों मीडिया के हवाले होकर कहा गया है कि उन्होंने वालों सिर्फ तो सिर्फ आने वाले सैशन लैके ही यह मीटिंग की गई है। फिलहाल इस मीटिंग का एजेंडा की सी इस बारे भी आप विधायकों के वालों कोई भी स्पष्टीकरण नहीं दिता गया। तो उन्होंने वालों अपने बयान बदलद हुए यही गल कही गई कि आने वाले सैशन लैके ये मीटिंग की गई है। हालांकि सूत्रों के वालों सीधे तौर पर किया गया है कि कैबिनेट मंत्री के अहदे लैके आप विधायक इकट्ठे हुए। सो वधदे अगली खबर दे वल। पंजाब सरकार दे वल्लों 2 दिना विधानसभा सैशन बुलाउण नूं हरी झंडी दे दित्ती गई है, जिसका जिक्र मानसा च हुई तीजी कैबिनेट मीटिंग दौरान किया गया। तो पंजाब सरकार दे वल्लों चंडीगढ़ तो बाहर यह तीजी कैबिनेट मीटिंग मानसा च की गई सी, जिथे सरकार दे वल्लों वक्खो वक्ख मुद्दे हल करन दे नाल नाल चिट फंड कंपनियां ते सख्ती वरते जाण नूं प्रवानगी ते सख्त सजावां ते कच्चे टीचरां नूं पक्का करन दे फैसले ते मोहर लगा दित्ती आ। इस संबंध च मुख मंत्री भगवंत मान दे वल्लों की कुछ किया गया व्यक्तियां पूरी रिपोर्ट। सत्ताचाई भगवंत मान की सरकार दे वल्लों रिवायती पार्टी दियां लीहां नूं छड्ड के वक्खरे तौर ते लोक लुभाउण दा फैसला कर कैबिनेट मीटिंगां नूं चंडीगढ़ तो बाहर किया गया। मान सरकार दे वल्लों मानसा च तीजी कैबिनेट मीटिंग च वड्डे फैसलां ते मोहर लाउण दा दावा किया गया। चिट फंड कंपनियां नूं लैके बहुत लोग पीड़ित ने। चिट फंड कंपनियां लालच दे के आम लोगों तो उन्हां दी मेहनत की कमाई लै लैंदे ने। दुगने पैसे करांगे, तिगने करांगे, एक दो बारी दुगने तो ये भी देंदे विश्वास बना के, बाद दे विच करोड़ां खरबां रुपये का घपला हो जाता। पर्ल कंपनी दे विच खास तौर पर जिक्र योग है, जिदा पंजाब दे विच बहुत सारे पर्ल पीड़ित ने, होर बहुत सारिया कंपनियां ने जिहड़ियां चिट फंड कंपनियां ने पैसे लेके भज जांदियां ने। उन्हां लई असीं एक अमेंडमेंट लैके आए हैं एक्ट दे विच, उन्हां नूं सख्त सज़ा का असीं प्रावधान कर रहे हैं। वो टीचर जिन्होंने 10 साल या 10 साल तो उपर सर्विस कर ली, हजे वो रेगुलर नहीं होए, उन्हों की गिनती 7902 वो टीचर जिहड़े ने उन्हां नूं असीं रेगुलर कर रहे हैं, पक्के कर रहे हैं। मानसा च हुई कैबिनेट मीटिंग च चिट फंड कंपनियां दे खिलाफ वरती गई सख्ती तो मान सरकार दी गुरकी दा अंदाजा लगाया जा सकदा है कि मान सरकार दे वल्लों ये कारवाई लंबे समय तो अड़िका बनती पर्ल ग्रुप ते निशाना है।
जिन्हां दा नां लैण दे नाल नाल मुख्यमंत्री मान दा कहना है कि अजिहियां कंपनियां नूं शहरां च नहीं सगो सलाखां च होना जरूरी है। मानसा कैबिनेट मीटिंग च मान सरकार दे वल्लों 14,239 कच्चे मुलाजमां नूं पक्के करन दा टीचा ते 10 साल तों उपर सेवा निभा चुके 7,902 मुलाजमां नूं बनदा मान सन्मान ते रेगुलर करन दा राह पत्थर करन दा दावा कीता गया है। खैर, मान सरकार दे वल्लों साबका मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल दे वल्लों कीते जांदे संगत दर्शन तो बाद बदलाव दी नीति तहत चंडीगढ़ तो बाहर सूबे दे हलकियां च कैबिनेट मीटिंगां शुरू कीतियां गईयां हन। खास तौर ते इह मीटिंगां सूबे दे लोकां ते किन्नी कु छाप छड्डणगियां, इह तां आउण वाला समां ते आगामी चोणां च ही नजर आवेगा। खैर, एक गल तां जरूर है कि मान सरकार दे वल्लों लोकां नूं लुभाउण लई कोई भी कसर नहीं छड्डी जा रही ते मान सरकार नूं बदलाव दी नीति तहत परसारिया जा रिहा है। ब्यूरो रिपोर्ट। ਸਵਧਿਆਂ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਦੇ ਵੱਲ। ਮਾਨਸਾ 'ਚ ਹੋਈ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਪਿਤਾ ਬਲਕੌਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦਾ ਨਾ ਹੋਣਾ ਵੱਡੀ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਬਲਕੌਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਧਰਨੇ 'ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਆਖਰ ਬਲਕੌਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀਆਂ ਦੂਰੀਆਂ ਕਿਉਂ। आप सरकार वल्लों रखी गई तीजी कैबिनेट दी मीटिंग दे चर्चे जिथे जोरां ते सन, उथे ही सिद्धू मूसेवाला दे पिता बलकौर सिंह नूं वी अपने हलके च हो रही कैबिनेट मीटिंग तो वड्डी आस सी कि खैर हुण उहनां दी मुख्यमंत्री मान दे नाल मुलाकात दे दिन खत्म हो जाणगे ते मान वल्लों उहनां दे पुत्तर दे मास्टर माइंड कातलां नूं जल्द ही दुनिया दे सामने लिया दिता जावेगा कि आखर असल मास्टर माइंड कौन हन ते इस कतल दी वजह की सी। पर बलकौर सिंह नूं मुख्यमंत्री मान नाल ना मिलाउणा सरकार लई किते ना किते वड्डे सवाल खड़े कर रहा है। चर्चा ए वी चल रही है कि मानसा च कैबिनेट दी मीटिंग शुरू हुंदिया ही बलकौर सिंह मुख्यमंत्री मान नूं मिलण पहुंचे सन, पर अक्सर ही मीडिया दे नेड़े रहण वाले बलकौर सिंह दी मीडिया तो दूरी बनी रही, तां जो मीडिया तो दूरी बना दित्ती गई ए वी इक वड्डा सवाल खड़ा हो रहा है, क्योंकि अक्सर ही बलकौर सिंह दे वल्लों मीडिया दे नाल गलबात कर सरकार दे कन्नां तक आवाज पहुंचाउंदिया देखिया गया है ते उहनां दे वल्लों मीडिया दा वी कई बार धन्नवाद वी कीता गया है कि जदों साडी कोई नहीं सुनदा ते उदों मीडिया ने ही सानू दुनिया तक पहुंचाया है। खैर, विधानसभा दे बाहर दित्ते गए धरने दौरान बलकौर सिंह नूं कैबिनेट मंत्री कुलदीप सिंह धारीवाल दे वल्लों भरोसा दे धरना खत्म करन दा वादा कीता सी, परंतु उदों तों लै के हुण तक मुख्यमंत्री दा बलकौर सिंह नाल मुलाकात ना करना कई सवालां नूं जन्म देंदा है कि मुख्यमंत्री आखर बलकौर सिंह तों इन्नी दूरी क्यों बना रहे हन। आखर सवाल ए वी खड़ा हुंदा है कि ये दूरी जान बुझ के बनाई जा रही है जां किते ना किते सिद्धू मूसेवाला आउण वाले दौर दा वी वड्डा एजेंडा होवेगा। ਸਵਾਦੇ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਦੇ ਵੱਲ। ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋ ਸੰਗਰੂਰ 'ਚ ਹੋਈ ਪੰਚਾਇਤ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਰੈਲੀ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਗਰਜੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ 'ਤੇ ਵਾਜਰੇ ਡਾਕੇ ਤੋਂ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਣ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਅਦਾ ਅਤੇ ਦਾਅਵਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਢੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਖੜ੍ਹੇ ਰਹਿਣਗੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 13,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ। ਆਗਾਮੀ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਦੇ ਲਈ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਦੌੜ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਜਾ ਰਹੀ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਮੌਕਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਉੱਥੇ ਜਾ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਭੰਡਣ 'ਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੰਗਰੂਰ 'ਚ ਹੋਈ ਪੰਚਾਇਤ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਰੈਲੀ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਣ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਡਾਕਾ ਮਾਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨੁਕਰੇ ਲਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਸਲਾਹ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਖੜਿਆ ਇਹਨਾਂ ਪੰਚਾਂ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਉੱਨਤੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁਨਰਉਥਾਨ ਦਾ ਰਸਤਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 13,000 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰੇ ਬਗੈਰ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ 73ਵੀਂ ਸੋਧ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ਮੀਨੀ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੁਣੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿਓ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਉੱਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਨੇ ਜਿੱਥੇ 70% ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਅਤੇ 60% ਪੰਜਾਬ ਰਹਿੰਦਾ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ
पिंड दे काम करन दी इजाजत दित्ती जावे, उन्हां नूं पावर दित्ती जाए कि वह निर्णय लै सकन पिंड दे। तुसीं बाहां मरोड़दे हो, विजिलेंस भेजदे हो, तुसीं लोकां दी ताकत गिरवी रखती पंचायत सकत्तरां दे। जिक्रयोग है कि सरपंचां नूं आ रहियां समस्यावां ते सूबे च कीती जा रही सियासी बदलाखोरी नूं मुख रखदिआं इह रैली दा आयोजन कीता गया सी। इल्जाम यह भी लगाया गया कि पंजाब सरकार के वलों 13,000 ग्राम पंचायतों के नाल धक्का कर उन्हां दी ताकत ते योग्यता नूं खोया जा रहा ते ग्राम पंचायतों नूं कमजोर कर सियासी आगुआं दे वलों लोक हितां नूं दबाया जा रहा, जिसके तहत यह रैली राही एकमुठ होण दा सुनेहा भी दिता गया सी। खैर, पंचायतों वालों अपने आप नूं एकमुठ करन दा सुनेहा ते उन्हां दी योग्यता नाल कीता जा रहा धक्का एक वड्डा सवाल खड़ा करता है कि इस पिछे असल सियासी फायदा कौन लैना चाहुंदा है, क्योंकि मान सरकार तो पहला जो पिंडां दे सरपंचां दे हालात सन उन्हां नूं कोई छुपा नहीं सकता, तो उस समय नूं भला हुण मान सरकार ते सवाल आखिर क्यों दागे जा रहे हैं, इस सब दे पिछे असल सियासी फायदा कौन लैना चाहुंदा है, ये भी एक अपने आप दे विच वड्डा सवाल बनया होया जिसकी उड़ीक हर पंजाबी नूं होवेगी कि आखिर पंचायतों नूं दबाउण दा राज की ते सियासी बदलाखोरी कर फायदा किसका। केंद्र ते सूबा सरकार दे खिलाफ किसानां दे वल्लों हल्ला बोल दिता गया। एक पासे पटियाला च बिजली दी लंबे समय तो अटकी मंगा पूरा ना होण ते मरन वरते किसान बैठ गए ने, ते दूजे पासे लुधियाना च स्वामीनाथन रिपोर्ट मुताबक फसलां दे सही मुल ना देण दे नवी रणनीति किसानां दे वल्लों उलीक दित्ती गई है। चेतावनी भी जारी कर दित्ती गई है कि हुण सूबा ते केंद्र सरकार नूं दो दो हथ होना पवेगा। किसानों के वलों केंद्र ते सूबा सरकार खिलाफ पूरी तरह एकमुख होने की रणनीति सरकार के राह रोड़ा बनती नज़र आ रही है। सूबा सरकार तो लैके केंद्र तक किसानों वलों घेराबंदी करने की तैयारी शुरू कर दी गई है। एक पासे पटियाला च बिजली की सही वंड ना होने ते सरकार ते वादा खिलाफी के इल्जाम लगाना ते दूजे पासे स्वामीनाथन रिपोर्ट नूं वादे मुताबक लागू ना करना किसानों ते सरकार विचाले टकराव की स्थिति बनाउंदा नज़र आ रहा। तो पटियाला च बिजली के मुद्दे ते किसानों के वलों अपने सफर का घड़ा भरता वेख मरन वरत शुरू कर दिता। धरना लाना पाया ये 2020 का जोड़ा बिल है उदों तीन काले कानून रद्द करके करा के आप आए थी, ये बिल भी उदों सरकार मनी सी कि असं नहीं लागू करांगे, जिहड़ा हुण कह लो भी चोरी छुपे जां पिछले दरवाजे राही ये चिप वाले मीटर ला के उन्होंने लागू करा करना चाहती है। ये पंजाब स्टेट पावर कारपोरेशन के खिलाफ संयुक्त किसान मोर्चा गैर सियासी ते 16 जथेबंदियों के वलों आरंभिया अखाड़ा ते किसानों का मरन वरते बैठना वड्डी चुनौती है। तो दूजे पासे लुधियाना च लखोवाल किसान यूनियन के वलों स्वामीनाथन रिपोर्ट की मांग ते केंद्र वलों ऐलाने MSP के वादे नूं मुड़ तो नकारना अगली रणनीति नूं उलीक रहा है। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਮੁਤਾਬਕ C2+50 ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੇਟ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਡਾ ਰੇਟ 3300 ਬਣਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਪਾਹ, ਨਰਮਾ, ਮੱਕੀ, ਮੂੰਗੀ ਹਰ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੇਟ ਆ ਉਹ 6-7% ਹੀ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵੱਧ ਹੋਈ। ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਕਹਿਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਆ, ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਅਸੀਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਆਪਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਪੂਰਾ ਉਤਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ਾ ਹੀ ਤਾਂ ਚੜਿਆ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਰੇਟ ਘੱਟ ਮਿਲਦਾ, ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਰੇਟ ਵੱਧ ਗਏ ਆ, ਡੀਜ਼ਲ ਦਾ ਰੇਟ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ 100 ਗੁਣਾ ਵਧਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ 10 ਸਾਲਾਂ 'ਚ 50-60 ਗੁਣਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਾਡੀ ਵਧੀ ਆ। ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਵੀ ਅਸੀਂ MSP ਕੁਛ ਫਸਲਾਂ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖਰੀਦੂਗੀ, ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੂੰਗੀ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਪਰ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ MSP ਮੂੰਗੀ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਹੁਣ ਮੱਕੀ ਸਾਡੀ ਰੁੜ ਰਹੀ ਆ। ਅਕਸਰ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਰੋਲਣ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਵਾਲੇ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਬਿਆਨ ਅਤੇ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਅਤੇ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਹਿੱਤਾਂ 'ਤੇ ਮਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਡਾਕਿਆਂ ਵਾਲੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਜਟ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਕੰਮਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਪਿੱਠ ਥਾਪੜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੋ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਖਰ ਸੱਚਾਈ ਕਿੱਥੇ।
सो अद्दे अगली खबर दे वल। देश का सब तो सुंदर शहर कहे जाण वाले शहर चंडीगढ़ च अजकल चोरां ते ठगां दा बोलबाला जारी है। खास गल यह है कि ये चोर कोई आम नहीं सगों हाईटैक चोरां दे काफले वाले चोर ने, जिन्हां दे वल्लों भोले भाले लोगों के मोबाइलों ते बाज अख रख फिल्मी अंदाज मोबाइलों नू चोरी किया जाता है। तो इन चोरों का एक गिरोह चंडीगढ़ पुलिस के हाथ लगा जिन्हां दे कोलों वड्डी जानकारी हासिल हुई है। आखिर ये चोरों का अंदाज की सी, वेखते हैं पूरी रिपोर्ट। शहर चंडीगढ़ नू टेक्नोलॉजी का हब मनिया जाता है ते अजिहे शहर च चोरियां दा होना तो आम गल है, पर पूरे हाईटेक तरीके दे नाल लोकां नू ठगना एक वड्डी चिंता दा विषय है। कि पढ़े लिखे लोकां नू किस तरह दे नाल चूना लगाया जाता है, ओ भी पूरी सफाई दे नाल ते अजिही वारदातां नू अंजाम देण वाले एक चोर गिरोह नू चंडीगढ़ पुलिस दे वल्लों काबू किया गया है, जिन्हां दे वल्लों शहर च वेचे गए 130 मोबाइलां नू फिल्मी अंदाज च ही गायब कर दिता गया ते किसे नू कन्नो कन्न खबर भी नहीं हुई। कि जब ये लोग यहाँ से भेजा करते थे तो मोबाइल बिल्कुल इंटैक्ट भेजा करते थे, लेकिन जब कस्टमर फाइनल कस्टमर जो है वो ओपन किया करता था तो उसको जो है नकली या तो डुप्लीकेट या फिर खाली डब्बे मिला करते थे। तो फ्लिपकार्ट ने इन लोगों को, जो हमारे सप्लायर थे यहाँ पर चंडीगढ़ बेस्ड, इनको मना कर दिया कि हम आगे पेमेंट नहीं करेंगे। तो इन्होंने आगे हम लोगों को कंप्लेंट दी, जिसमें इन्होंने बोला कि इनके टोटल जनवरी से लेकर के 130 मोबाइल्स जो हैं वो मिसिंग हैं। इसमें जब हमने पड़ताल की तो हम लोगों ने जो है चार लोगों को अभी तक गिरफ्तार किया है, इसमें जिसमें से 17 मोबाइल रिकवर हो गए, जो आप लोगों के सामने दिख भी रहे हैं। इसमें ये पता लगा है कि जो ड्राइवर होता था वेयर हाउस से, वो वेयर हाउस में जब गाड़ी फ्लिपकार्ट के वेयर हाउस में गाड़ी जब वेट किया करती थी पूरे दिन सप्लाई के लिए, उसी टाइम पे वो बड़े अपने पूरे कंटेनर में से करीबन 10 मोबाइल, 15 मोबाइल, 20 मोबाइल जो है लगातार वो निकाल लिया करता था। वो फिर इन मोबाइल्स को आगे 50% ऑफ द वैल्यू ऑफ द मोबाइल पर बेच दिया करता था, और ये मोबाइल फिर आगे जा करके एंड कस्टमर को ऑलमोस्ट एट द सेम रेट मिल जाया करते थे। पुलिस ने हाईटेक चोरां दे गिरोह नू चार चोरां नू काबू कर पुछगिछ कर दित्ती है, जिन्हां दे वल्लों मन्या गया है कि कोरियर राही भेजे गए मोबाइलां ते उन्हां दी बाज अख हुंदी सी ते अजिहे मोबाइलां नू उन्हां वल्लों गाहकां तक पहुंचाउण दी थां बाजार च वेच दित्ता जांदा सी। फिलहाल अजे तक पुलिस ने 17 मोबाइल भी बरामद कर लए हन ते 130 मोबाइल अजे भी गायब ही हन ते ए मोबाइल किन्ना लोकां नू वेचे गए ने ए अजे जांच दा ही विषय है। पुलिस का कहना है कि ये चोरां दे वल्लों पहला दिल्ली नोएडा वर्गे शहरां च जेहियां वारदातां नू अंजाम दित्ता जांदा सी ते हुण निशाना चंडीगढ़ ते रख्या गया है। फिलहाल चोरां दा 6 दिनां दा रिमांड हासिल हो गया है ते बाजारां चों गायब होए लखां मोबाइलां दी जांच जारी है। फिलहाल हाईटेक शहरां च हाईटेक चोरां दा आउणा भोले भाले लोकां दे नाल नाल प्रशासन लई वी वड्डी सिरदर्दी बनदा नजर आ रिहा है ते वड्डे सवाल भी खड़े कर रिहा है कि हुण शहर दा रुख की होवेगा। अगली खबर के वल। धार्मिक थावां ते भी चोरां ते ठगां ते नज़र रखने लई नित नवी टैक्नोलॉजी की वरतों की जाती है, तां कि धार्मिक स्थानां ते आउण वाली संगत नूं ठगां ते चोरां तों निजात दवाई जा सके। तो इस तरह की पहलकदमी श्री हरिमंदर साहब च कीती गई है, जिथे टैक्नोलॉजी नाल भरपूर स्कैनर मशीनां लगा दित्तियां गईआं ने तां कि यात्रियों के समान की चैकिंग की जा सके, ताकि किसी भी तरह की अनहोनी ना वापर सके। खास गल यह है कि ये मशीन एक बार कई लाख बैग चैक कर सकदियां ने। इस मशीन की खास शख्सियत बारे जानते हैं ते वेखते हैं पूरी रिपोर्ट। सचखंड श्री दरबार साहिब दे दर्शन करन दी आड़ विच शरारती अंसरां नू दाखल होण तों रोकण लई श्रोमणी कमेटी वल्लों स्कैनर लगाउण दा काम शुरू हो गया है। श्री दरबार साहिब दी घंटाघर बाही ते दो स्कैनर लगाए जा रहे हन। बैक स्कैनर दीआं दो मशीनां दे ट्रायल दा काम शुरू हो गया है। इस बाबत जानकारी देंदे होए दरबार साहिब दे मैनेजर निशान सिंह ने दस्या कि पिछले समय विच अंतरिम कमेटी दी इकत्रता दौरान सचखंड श्री दरबार साहिब दे मुख दरवाजियां ते स्कैनिंग मशीनां लगाउण दा फैसला कीता गया सी, जिस तों बाद 11 मई नूं मुड़ प्रधान एडवोकेट धामी ने इस काम नूं जल्द मुकम्मल कराउण लई ड्यूटियां लगाईआं सन।
ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਵਾਲੇ 6 ਰਸਤਿਆਂ ਘੰਟਾਘਰ ਬਾਹੀ, ਸਕੱਤਰੇਤ ਬਾਹੀ, ਪਾਪੜਾ ਵਾਲਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਬਾਹੀ, ਆਟਾ ਮੰਡੀ ਬਾਹੀ, ਸਰਾਂ ਬਾਹੀ ਅਤੇ ਖਜਨਾ ਡਿਓੜੀ ਸਾਹੀ ਤੇ ਇਹ ਸਕੈਨਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਅੱਜ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਕੈਨਰ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ 2-3 ਦਿਨ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾਣ? ਫਿਲਹਾਲ 2 ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਲਾ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਗੇਟਾਂ ਦੇ 6 ਗੇਟਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਕਿੰਨੀ ਦਾ ਟਾਰਗੇਟ ਸਾਬਤ ਹੋਣਗੀਆਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਲਗਾਈਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਤੰਬਾਕੂ ਵਗੈਰਾ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਪਲਾਜ਼ੇ 'ਚ ਕੁਝ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਜੇਬ 'ਚ ਤੰਬਾਕੂ? ਇਹ ਮੈਟਲ ਵਗੈਰਾ 'ਤੇ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਤੰਬਾਕੂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥ ਉਹਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਸ ਬਾਰੇ 2 ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਕੈਨਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਟ੍ਰਾਇਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਹੜੀ ਮਸ਼ੀਨ ਸਹੀ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ ਉਸ ਕੰਪਨੀ ਦੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਲੋੜ ਵਾਲੇ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ 24 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਕਈ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਆਕਾਰ ਵਾਲੀ LCD ਸਕਰੀਨ ਵੀ ਘੰਟਾਘਰ ਗੇਟ ਦੇ ਬਾਹਰ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਮਰਿਆਦਾ ਤੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਰਿਕਰਮਾ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸੀ ਤਾਲਮੇਲ ਲਈ 50 ਵਾਕੀ ਟਾਕੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਹਨ। 5 ਗਾਈਡ ਵੀ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਪਰਿਕਰਮਾ ਵਿੱਚ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਗਾਈਡ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮੁਫਤ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਬਦਲਾਵ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਮੁਕੇਸ਼ ਮਹਿਰਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ। ਫਿਲਹਾਲ ਪੰਜਾਬ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ।